सनी लियोनी, आज के दिन में उन्हें कौन नहीं जानता है। आखिर उनके पास पहले क्या था? एक छोटा सा भूम, एक बिल्कुल छोटा सा भूम। आखिर कैसे उन्होंने एक छोटा सा भूम को होलसेल के बिजनेस में बदल दिया। और आगे दिखाइए। हम लोग समूह लोन का एजेंट हैं। आपका घर जब्ती करने आए हैं। किसका मायके गोदाम में दम है जो मेरा घर जब्ती करेगा, उसको अपने यार के जूस में माहौल मिला के पिया के मुआ देंगे। और आगे दिखाइए। मोबाइल लेकर आई है, ओटीपी गिरेगा। सर मोबाइल तो ताखा पर ही छोड़ दिए हैं। ताखा पर भूल गए हैं। लाली उठलाई लगाना नहीं भूलिएगा, काम की चीज भूल जाती है। जाइए लेकर आइए। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं फनी टू पीजी टीम चैनल से रमेश भाई का समूह लोन वीडियो। So guys, आज की इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बन रहे वीडियो में शुरू से लास्ट तक के लिए आज की इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, कृपया करके विराजमान हो जाए आप। तो चलिए दिखाते हैं आप सबके जोरदार चालियों के बीच कुछ वायरल कॉमेडी वीडियो को। क्या बात, कब से रमेश भाई की इनकी वीडियो थोड़ी अश्लील टाइप की रहती है, पर कॉमेडी अच्छा करता है। तो ये कौन लोग हैं? ए माधव चौधरी साहब, ये ट्रेन के जनरल बोगी है। तुम सबको घर जब्ती करने लाए हैं, दिल्ली पंजाब कमाने ले जा रहे हैं। तुमको हम ठेकेदार दिखते हैं। साला जल्दी उठने तो सबको गांड सौरा के नौकरी से बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, घर जब्ती। सर बोट लगा दिया, अब क्या करना है? एक काम कर, मेरा आर पे काला नमक डाल के चूस के मर जाओ हराम खोर साहब। भाई हम लोग घर जब्ती करने आए, घर में घुस जो भी सामान मिले, चकला बेलना लोहा छिपा पलंग पटिया सारा सामान गाड़ी में लोड कर ले। ए मेरे यार के बेटा, तुम लोग बिना परमिशन के मेरे घर में क्यों घुस रहा है? आप मैनिका देवी है? हाँ, और आप लोग? हम लोग समूह लोन का एजेंट हैं। आपका घर जब्ती करने आए हैं। किसका मायके गोदाम में दम है जो मेरा घर जब्ती करेगा, उसको अपने यार के जूस में माहौल मिला के पिया के मुआ देंगे। इतना बदतमीजी से बात मत कीजिए। आपने कई महीनों से समूह लोन का पैसा नहीं भरी है, इसलिए हम लोग को गलत कदम उठाना पड़ रहा है। आप सीधे सीधे बताइए, पैसा जमा करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगे, जो करना है कीजिए। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ घर खाली करो। ए कदम ही मत रखना मेरे दहलीज पर, वरना मारेंगे से थप्पड़ पे साज का कुआं बहा देगा। मेरा साथ को बाल बच्चा कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा, उसका हम ठीका ले रखे हैं। जो पैसा उठाए हैं कहाँ गया? खा गए हैं और मेकअप का सामान खरीद लिए हैं। क्या बात है, ये तो जरूरी है। ये खा गए हैं तो पैसा कौन भरेगा? हम नहीं जानते हैं कौन भरेगा, जो करना है कीजिए। कैसे होगा, इसका पैसा आप लोग को भरना पड़ेगा, नहीं तो घर जब्ती हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं। कोई नहीं भरेगा पैसा, हम लिए हैं तो हम भरेगा पैसा। हमको होगा तो भरेगा, नहीं होगा तो नहीं भरेगा। अरे सब बात आप ही बोलते हैं, भरेंगे नहीं भरेंगे, जो करना है कीजिए। ये बाप का पैसा नहीं ना आपका, नाना का पैसा नहीं ना आपका। तू भसर चौध कंपनी क्यों दिया माधर चौध। क्यों दिया पैसा यहाँ आकर गांव गांव में घूमकर? ये कुत्ता वाला काम कर रहे हैं आप, पैसा खा गए, कुत्ता है आप, कुत्ता। तू कुत्ता, तेरा कंपनी कुत्ता, बिलाई लोमड़ी गिद्ध पृथ्वी का सबसे गिरा हुआ जानवर है तू। इसका घर का सारा सामान कोना कोनी ऊपर नीचा, जहाँ तक लैट्रिन का सामान का भी हाथ मत लगाना, चुप चाप गाड़ी में बैठ। सर हम पहले से बैठे हुए हैं, नहीं तो सात करोड़ तबाह हो जाएगा। आज हम सब इस ग्रुप मीटिंग में शामिल हुए हैं, ये सबको पता है। देश में हजारों कंपनियां समूह लोन बांटती है, और हमारा गुड फाइनेंस कंपनी सभी कंपनियों को माई चोतते हुए।
तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। और इस कंपनी को एक नंबर स्थान पर लाने के लिए सभी गरीबों को फंसाए रखना होगा। एक लोन खत्म हुआ नहीं, दूसरा लोन देकर दबा दो, पूरा नस्ल बर्बाद कर दो, ताकि जिंदगी भर हमारे कंपनी को ब्याज भरता रहे। और इस कंपनी के आपके ही जैसा एक एजेंट मिस्टर रमेश सहनी एक महीना में 10 करोड़ का लोन बांटे हैं। मैं चाहूंगा दो शब्द स्टेज पर आकर अपने सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। बाय। हाय एवरीवन, माय नेम इज रमेश सहनी फ्रॉम बिहार। अच्छा। आई बिकॉज मानी भोम। बिकॉज यानी डिनर। इसकी माँ की चूत। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ वुड फाइनेंस कंपनी की, जो हमें दो शब्द कहने का मौका दिया। मेरा मतलब गुड फाइनेंस कंपनी, सनी लियोनी। आज के दिन में उन्हें कौन नहीं जानता है। आखिर उनके पास पहले क्या था? एक छोटा सा भूम, एक बिल्कुल छोटा सा भूम। आखिर कैसे उन्होंने एक छोटा सा भूम को होलसेल के बिजनेस में बदल दिया। सोचिए, आज कई देश उनके हॉल के दीवाने हैं। अच्छा। आखिर कैसे उन्होंने यह मुकाम कुछ समय में ही हासिल कर लिया। बहुत दुख दर्द पीरा सहना पड़ा उन्हें। अच्छा। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो वही दुख दर्द पीरा आपको भी सहना पड़ेगा। मिस्टर रमेश सहनी, यानी आपने जो 10 करोड़ का लोन बांटे हैं, अपना पिछला गोदाम को दुख दर्द पीड़ा देकर बांटे हैं। बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठ जाओ वरना तेरा गांड का जिला गाजियाबाद बना देंगे। देखिए, आप लोग गांव में जाए और ज्यादा से ज्यादा महिला से मिलकर उससे प्रेम भाव बनाएं। अच्छा। और उससे बोलिए एक ग्रुप बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ महिला लोन लेकर लोन नहीं चुकाती हैं। ऐसे में कभी कभी मैं अपना सैलरी के पैसे से उसका लोन भर देता हूँ। लेकिन औरत का शक फिगर देखकर, आखिर मुझे आधा रात को घर क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन लेकर आता हूँ। जो आप लोग सोच रहे हो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, बट ये हर एक के साथ में नहीं होता है। चलो अब आप लोग ताली मारो। सब दीदी लोग आ गई हैं क्या? हाँ दीदी। सर अभी थोड़ा ही देर में आने ही वाले हैं। पूछेंगे लोन किस लिए ले रहे हैं तो बोलिएगा बिजनेस और अपना खेती बाड़ी के लिए ले रहे हैं। उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो लोन पास नहीं होगा। निहारिका जी, क्या है ये सब? सबका डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किए थे? हाँ सर, कोई दिक्कत है? दिक्कत? जरा देखिए यहाँ। ये क्या है सर? वही तो हम पूछ रहे हैं, ये सब क्या है? रानी देवी 5 को समूह 4 गोड़ी, प्रियंका देवी 3 को समूह 1 भी नहीं भरी है। ऐसे 5 लोग का नाम छट गया। अरे कम से कम पहले आपको पूछना चाहिए क्या को समूह ले रखी है, पैसा सदा है कि नहीं सदा है? सर ये बार बार क्या? बार बार बोलेंगे नहीं। 5 को नया साफ सुथरा माल मेरा मतलब महिला ग्रुप रही है, अगला सप्ताह मीटिंग में बता देंगे पैसा कब पास होगा। जाना रे भाई, कब तक इंतजार करेगा? क्या आदमी से पैसा मांगे, कोई नहीं दिया, जाओ कल आना। देख मुंह में मुतवाने वाला बात मत कर, जल्दी से अपना मूवी को बुला। सुन अभी हम बहुत नशा में है, मुतने मुतवाने वाली बात हमको पलने नहीं पड़ा। एक काम कर ला, अपना बैग मूत को भर देते हैं, बाजार में बेच के पैसा रख लेना। देख मर्यादा में रहकर बात करो वरना गांड सोहरा कैसा मारेंगे। सारा नशा तुम्हारा वाटर पंप से बाहर निकल जाएगा। Thank you.
गया भाई इसका भी। सर जी, क्या आप इस दोगला नशेड़ी भंगड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप थोड़ा देर बैठिए, एक आदमी को बोले पैसा के लिए, वो अभी खेत से नहीं आया। नहीं आया तो उसका ठीका हम ले रखे हैं। नहीं बताइए आप, सुबह 7 बजे मीटिंग में बोले थे थोड़ा देर में लेके दे रहे हैं, 4 घंटा साहब के दरवाजे पर बैठे हैं। जब औकात नहीं रहता हफ्ता भरने के लिए तो क्यों उठाते हैं लोन? मेरा कर्म फूट गया ऐसा कोरिया मर्द से शादी करके, इसकी वजह से क्या समूह उठा है? सारा पैसा ले जाके अपने बाप दादा लोग के साथ ताड़ी दारू पी जाता है। हम तो कब का भाग गए होते, अपना दोनों बेटा बेटी का मुंह देख के नहीं भागते हैं। लीजिए सर मेरा नथिया। नथिया? हाँ सर, 2-3 दिन में मेरा मर्द स्टेशन पर सीमेंट खाली करके पैसा कमाएगा ना, तो आपको दे करके नथिया वापस ले लेंगे। ठीक है, इसको बोले दिन के साथ साथ रात में भी काम करने जाए, अगर दिन में काम नहीं मिले तो रात को काम करा के भी पैसा कमाए। रे साला, तुमको नथिया मिल गया ना, ज्यादा ज्ञान मत पेल। बस यही टोल वाली दीदी। हाँ दीदी। सर कब से आके मीटिंग में बैठे हुए हैं, लोन भरने का मन नहीं रहता तो क्यों लोन ले लेते हैं? सर अब हम पे गुस्सा कर रहे हैं। ओ दीदी, हम तो भूल ही गए थे कि आज हफ्ता भी भरना है। चलिए हाथ धो के आते हैं। दीदी, 3 जगह 100 का है, 1 जगह 500 का है, सब मिला के कितना पैसा होगा? 800 रुपया होगा, लाइए इधर। जब गिनने नहीं आता तो घर से क्यों नहीं गिनवा के लाती है? सबका पैसा जमा हो गया शिल्पा देवी को छोड़कर, कहाँ है वो? उसके घर में कोई मर गया है इसलिए वो नहीं आई है। मर गया उससे हमको क्या मतलब, पैसा तो भेजी होगी। नहीं भेजी है। नहीं भेजी है तो आप लोगों को भरना होगा। हम क्यों भरे, हम उसका जिम्मेदारी ले रखे हैं। आप लोग भूल रहे हैं, ग्रुप में लोन लिए हैं तो ग्रुप का जिम्मेवारी होता है। बताइए उसका घर कहाँ है? जाइए ना 5 नंबर वार्ड में बोलिएगा भविष्य बामच का घर कौन सा है। जरा सुनिए, शिल्पा देवी पति भविष्यन बामच। हाँ हाँ हम ही है, बोलिए। बोले लार, आज हफ्ता था अपने बीबी को पैसा लेकर क्यों नहीं भेजा? सर पैसा बाबू के कफन खरीदने में खत्म हो गया, ऐसे में आप बार बार मांगिएगा तो लोगों में हमारी बड़ी बदनामी होगी। जब इतना ही बदनामी का डर था तो पैसा क्यों नहीं भरे? अरे आपका बाप मरे माँ मरे उससे हमें क्या मतलब, पैसा भी दीजिए नहीं तो आपका लाश नहीं उठने देंगे। भाई साहब घर में शोक सभा के माहौल चल रहा है, ऐसी बात करते हैं आपको शर्म नहीं आती? जाइए कल आके ले लीजिएगा, आपका पैसा भाग थोड़ी जाएगा। मारेंगे वही बांस से तुम्हारा गार बस हो रहा है, गार के नस फाड़ देंगे, इसका पखिया तू भरेगा। शिल्पा देवी, मेमा करने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से घर में जाइए पैसा लेकर आइए। सर जो बोलना है हमको बोलिए, अब 1 रुपया 2 उखाड़ के नहीं देंगे, जो करना होगा कर लीजिएगा। अरे तुम्हारा सारा पैसा माफ कर देंगे, बोल अपना बीबी को छपा चल के मर जाए, ऊपर से 2 लाख इंश्योरेंस का भी दे देंगे। दिन सही है तो यहाँ से चुपचाप चला जाए, नहीं तो अपने बाप के साथ तुमको भी जला देंगे। भविष्यन बामच, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा बीवी को निहुड़ा के घोड़ी बना देंगे। माधर चोद। सर कितना हजार वाला लोन पास हो रहा है? 60,000। हमको भी लेना है, कौन कौन कागज लगेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ज्वाइंट फोटो पति पत्नी का। अरे आप तो वही है ना जो पिछली बार लोन लेकर बाहर भाग गए थे। सर मजबूरी था, वो तो कब का माफ हो गया होगा? माधव से तो मजबूरी था तो किसी का माफ ही नहीं करवा देगा। पूरा 10 महीने का सैलरी दे के तुम्हारा लोन सधाए हैं। इसका मतलब यहाँ लोन नहीं मिलेगा? अरे यहाँ तो छोड़, तुम्हारा सिविल पैसा लोड़ा फेंक के मारे हैं, दुनिया में कहीं भी लोन नहीं मिलेगा।
अरे बाहर चले गए तो आपको फोन करने के लिए जान मरा गया था, बोलते एक ही बार में सारा पैसा फोन पे कर देते। देख दिन ठीक है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। लेकिन तेरा माई बहन चाचा चाची नाना नानी मौसा मौसी मामा मामानी फूफा फूफेरे चचेरा फचेरा सब एक कर देंगे। क्या बात है। सर अच्छा कि उसको लोन ना देकर, उसका दोनों प्राणी का यही धंधा है, बाहर से आता है और उसके नाम पे लोन नहीं होता है तो दूसरे के नाम पे लोन उठा के फिर बाहर भाग जाता है। ठीक है फिंगर लगाइए, मोबाइल लेकर आई है, ओटीपी गिरेगा। सर मोबाइल तो ताखा पर ही छोड़ दिए हैं। ताखा पर भूल गए हैं, लाली उठलाई लगाना नहीं भूलिएगा, काम की चीज भूल जाती है, जाइए लेकर आइए। किसी को लोन पल्टी करवाना है तो बोले हिसाब जोड़ देते हैं। सुने ना सर जी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हमको क्या मतलब, कमाने में घर तो हमको पड़ता है, बारह मास बाहर आने के चक्कर में औरत का सुख नहीं मिलता है। आप भी बुड़बक है, जब बाहर से आते हैं तो पी के इधर उधर सो जाते हैं तो कहाँ से सुख मिलेगा, जब 1.5 लाख मिल रहा है तो पलटी कर लेते हैं, नहीं ये काम तो बैंक में रख देंगे। क्या हुआ लोन का, हो गया पास? पता नहीं बहुत देर से बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, आप जाके पूछिए। सर मेरा कागज से क्या हुआ, आज मिल जाएगा पैसा? आपके बारे में सर से बात किए थे, आपके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है, नहीं मिल पाएगा आपको। नहीं मिल पाएगा तो बार के लिए 400 तो सहाया करवा रहे हैं, आपको चक्कर में कर्जा वाले से गाली सुन रहे हैं। तुम क्या सोच रही है, घर चलो। इतना सोचिए नहीं, पलटी कर लेते हैं तब ना पट्टी पट्टीदार सबकी गांड चलेगा। ठीक है लेकिन ताड़ी पीने के लिए रोज पैसा चाहिए। सर आप अपने माँ बहन के साथ भी ऐसे ही करते हैं? शर्म नहीं आती, किसी औरत के घर में बिन बोले ही घुस जाते हैं। मैडम जी ऐसी जवानी पर आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। नहीं नहीं घबराइए नहीं, क्या लगता है आपको, आप हमारी समूह का पैसा खा जाएंगे और हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या कर रहे हैं? देखिए आपका पैसा हम लौटा देंगे। कब कब लौटाएंगे मेरा पैसा, अगले जन्म में? अरे जवानी किस दिन काम आएगी आपका? क्या मतलब? लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। हमारा मतलब साफ है मैडम जी, हमारी बिस्तर के साथ औरों की बिस्तर गर्म करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पैसा माफ होगा। इस तरह से मौका का फायदा मत उठाओ यार। गाइस ये था फनी टू इजी टीम चैनल से रमेश भाई का समूह लोन वीडियो। गाइस ये वीडियो काफी कमाल की लगी है और ये वीडियो एक सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि इस तरह से ही शोषण होती है लोन के चक्कर में। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय वंदे मातरम।